गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, अर्थात प्राणी जगत का वर्गीकरण। इसके पहले हमने पढ़ा था वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण के साधन कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, और इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पादप समुदाय का भी वर्गीकरण का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, एनिमल क्लासिफिकेशन को पढ़ने के पहले उसके जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझेंगे, क्योंकि आपके जो कोर्स में एनसीईआरटी उसमें बहुत डिटेल नहीं है ये, तो थोड़ा सा लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी के बाद ही आप प्रॉपर ढंग से एनिमल क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। तो देखें बच्चों, प्राणी जगत, इसको एनिमेलिया भी कह देते हैं हम। अभी तक प्राणी जगत में 10 लाख से अधिक जातियां जो हैं वो क्या की गई हैं, 10 लाख से अधिक जंतुओं की जातियां पहचानी गई हैं। और अभी इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि अभी भी इनकी पहचान और इनके वर्गीकरण का क्रम अनवरत रूप से जारी है। अगर हम देखें तो ये जो जंतु होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुकोशीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। अब आप ये मल्टीसेलुलर को भी अच्छे से समझें, अर्थात बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा बने हुए। मोस्ट जितने जंतु हैं प्राणी जगत के वो कैसे हैं, परपोषी हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जबकि जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अर्थात वो क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके विपरीत जो जंतु हैं वो परपोषी होते हैं, अर्थात हेटरोट्रॉप्स इन नेचर। अब हमने यहाँ पर एक टर्म यूज की है मल्टीसेलुलर या बहुकोशी, इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, एक कोश की जीव भी होते हैं और वो आपस में एक कॉलोनी या एक समूह बनाकर रहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि परवा मैडम, यहाँ पर बहुकोशिकी को हम किस प्रकार डिफाइन करें? अगर एक कोश की जीव होता है वो अपनी एक ही कोशिका के भीतर जीवन के सारे प्रक्रम करता है, वो पोषण, वो श्वसन का काम, प्रजनन का काम, अपनी द्विगुणन वृद्धि का काम भी वो एक ही कोशिका यानी सिंगल सेल में करता है, तब वो प्राणी कहलाता है यूनिसेलुलर या एक कोश की। अब अगर हम यहाँ पर बहुकोशी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक प्राणी ही है और उस प्राणी के अंदर बहुत सारी सेल्स बनी हुई हैं, वो बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है, तो वो बहुकोशी कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत एक टर्म आती है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर, अर्थात कार्य विभाजन। इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है बेटा, और बड़ी क्लासेस में जैसे आप पढ़ेंगे तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं बताई जाती है, वो आपको खुद से बनना चाहिए। तो यहाँ पर कार्य विभाजन होता है, मतलब यहाँ पर एक जंतु या जीव के शरीर की कुछ कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के कार्य में करने के लिए बना दी जाती हैं। जैसे अगर हम श्वसन का बोलें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में श्वसन का कार्य करने के लिए प्रॉपर एक श्वसन तंत्र होता है, और उस श्वसन तंत्र में उसकी प्रॉपर सेल्स रहती हैं जिनका काम बिल्कुल डिफाइन रहता है कि वो सिर्फ श्वसन का ही काम करेंगी। तो इस प्रकार से जो बहुकोशिकी जीव होते हैं उनमें उनके जीवन के भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं संगठित होती हैं, जो कि ऊतक बनाती हैं, और विभिन्न ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, और इस प्रकार अंग तंत्रों की संरचना युक्त एक जीव का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये बेसिक चीज हमको बहुत अच्छे से समझना है कि व्हाट इज मल्टीसेलुलर एंड व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर, कि उसमें अलग अलग किस प्रकार के कार्यों का विभाजन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखें शारीरिक सममिति यानी सिमेट्री। आपने देखा होगा, आपने बहुत बार राउंडर से क्या बनाया होगा, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस प्रकार से हम एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, यदि इसको हम किसी भी सरफेस से बांटें तो क्या होता है, ये इक्वली डिवाइड हो जाता है, इक्वल इक्वल दोनों पार्ट हो जाते हैं। अगर किसी स्क्वायर को हम बांटें, ऐसे समझते हैं अपन, स्क्वायर को भी क्या है, बीच से बांटा, ये दो बराबर भागों में बट गया,
फिर अगेन इसको फिर से हमने काटा तो फिर से ये फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये कहलाती है सिमेट्री। आप लोग इसको बहुत अच्छे से मैथ्स में समझ चुके होंगे। तो अब अगर हम शारीरिक सममिति की बात करें तो जो जंतु भी होते हैं या जो प्राणी हैं वो भी क्या होता है, उनमें भी सममितियाँ पाई जाती हैं, कुछ में पाई जाती हैं कुछ में नहीं पाई जाती। तो ये देखें हम मेनली तीन टाइप की हैं जिसको हम पहले समझेंगे। सबसे पहले जो जंतु होते हैं वो एसिमेट्रिकल अर्थात एसिमेट्री असममित, इसको क्या बोलेंगे असममित। उदाहरण देखते हैं, कुछ जंतु रहते हैं जो असममित होते हैं, उनकी उनके बॉडी स्ट्रक्चर को हम किसी भी प्रकार से अगर काटे तो क्या वो इक्वली बराबर भागों में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं का जो शारीरिक सममिति है वो कैसी है, असममित है। अब अगर हम सीलेंट्रेट्स की बात करें या अरीय प्राणी, इसको अरीय सममिति बोलते हैं, अरीय यानी रेडियल गोलाकार। तो जो सीलेंट्रेट्स वगैरह रहते हैं उनकी जो सममिति रहती है उसको हम किसी भी अक्ष से अगर बांटें तो उसमें सममिति हमको मौजूद होती है, ये कहलाती है रेडियल सिमेट्री। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि इसका आगे आपको क्या करना है, उपयोग होना है इन वर्डिंग्स का। तीसरा है बायलेटरल सिमेट्रिकल अर्थात द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित। इसका उदाहरण बहुत अच्छे से याद कर लिए, मनुष्य खुद है। यदि आप बीच से एक लंबी लंबवत रेखा खींची जाए तो हमारा शरीर बाहर तौर पर दो बराबर भागों में बट जाता है, तो उसको कहते हैं बायलेटरल सममित। इसको हम एक ऐसे रेक्टेंगल के उसमें समझ सकते हैं इस प्रकार से, और इसको यदि हम दो बराबर भागों में बांटें तो बाह्य रूप से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में, ये भी और यहाँ ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस सममिति को कहते हैं द्विपार्श्व सममित, अर्थात जो बॉडी सिमेट्री है वो हो गई एसिमेट्रिकल अर्थात असममित प्राणी, दूसरा रेडियल सिमेट्रिकल अर्थात अरीय सममित प्राणी, और तीसरा बायलेटरल सिमेट्रिकल अर्थात द्विपार्श्व सममित प्राणी। ये सारे वर्डिंग, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको आगे एनिमल क्लासिफिकेशन में यूज होंगी। तो बच्चों इसको सिंपल वीडियो ना समझ के इसको आपको एक बार नहीं दो से तीन बार बहुत अच्छे से देखना है, इसको समझना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पोरीफेरा समुदाय का जो है वर्गीकरण फाइलम का वो समझाएंगे। थैंक यू बच्चों। अब देखते हैं हम इनके आवास के बारे में कि इनका आवास कहाँ होता है और वातावरण, जिसको वातावरण और आवास दोनों के रूप में अपन पढ़ेंगे। अब जिनकी हैबिटेट या वातावरण जहाँ पर ये पाए जाते हैं तो मेनली ये थ्री टाइप्स हैं, जलीय जो जल में पाए जाते हैं, स्थलीय जो थल में पाए जाते हैं, और आकाशीय जो अपना जीवन का अधिकांश समय आकाश में या वायु में रह के व्यतीत करते हैं। तो जलीय में अगर हम बात करें तो जितने भी जल स्रोत हैं जैसे नदी तालाब स्वच्छ जल के स्रोत समुद्री जल, इस प्रकार में जो पाए जाते हैं जीव जलीय प्राणी कहलाते हैं। सेम थिंग यहीं पर जो स्थल में पाए जाते हैं स्थलीय प्राणी होते हैं, और जो वायु या आकाश में रह के जीवन व्यतीत करते हैं वो आकाशीय प्राणी माने जाते हैं। अब इनमें जो रहने के स्तर पर स्वतंत्र या परतंत्र, उस रहने के स्तर पर भी जो प्राणी हैं वो दो प्रकार के, स्वतंत्र जीवी अर्थात फ्री लिविंग, अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करते हैं किसी पर आश्रित नहीं होते, और दूसरे होते हैं परजीवी यानी पैरासाइट। अब ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं तो भी ये अगेन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बाह्य परजीवी और दूसरे होते हैं आंतरिक परजीवी। तो इस प्रकार से इनका डिवीजन किया गया है। अब देखते हैं आगे इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आया, अनुकूलन पाया जाता है, वॉट इज एडेप्टेशन। वैसे तो बच्चों एडेप्टेशन जो है ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है जिस पर बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन के लिए जिस आवास या जिस परिस्थिति में वह रहता है वहाँ के हिसाब से अनुकूलित होता है। उसकी शारीरिक संरचनाओं में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है कि जिससे वो उस मौसम और उस वातावरण के लिए इजीली एडॉप्ट कर ले और इजीली वहाँ पर अपना जीवन यापन कर सके। जैसे यदि हम कहें तो बर्फीले प्रदेशों में जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी
बॉडी के जो ऊपर की जो सतह रहती है, जो त्वचा रहती है, वो कैसी थी? फरेशियस रहती है, अर्थात फर युक्त रहती है, बहुत मोटे उसमें फर पाए जाते हैं, जिससे उसको ठंड से रक्षा हो सके। इसी प्रकार मरुस्थल में जो प्राणी पाए जाते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? वहाँ की परिस्थितियों, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन में रहने के अनुकूल पाए जाते हैं। तो इसका मेन फीचर्स क्या है? अनुकूलन पाया जाता है, एडेप्टेशन। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको और समझना है, वो है शारीरिक योजना, बॉडी प्लान। अभी तक आप कहेंगे मैडम ये क्या पढ़ा रही हैं, तो बॉडी प्लान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के जो हम समूह वर्गीकरण देखेंगे, प्लैटीहेलमिंथीज, नेमेटोहेलमिंथीज, सीलेंट्रेट्स वगैरह जो है, इनके बारे में ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है कोशा एकीकृत योजना। चूँकि हमने कहा कि ये मेटाजोअन्स होते हैं, या कैसे होते हैं, बहुकोशी होते हैं, तो सबसे पहले जब हम विकास देखें तो विकास के संगठन में कोशा एकीकृत योजना, मतलब इसमें मैं यहाँ पे कोई डिफाइंड प्राणी नहीं है, एनिमल नहीं बना रही, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं विभिन्न कार्यों को करने के लिए कैसी हो जाती हैं? रूपांतरित हो जाती हैं, और ये रूपांतरित हो जाती हैं लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहती हैं। ये इसका स्पेशल फीचर, मतलब बिल्कुल सिंपल संगठन इस तरह है कि बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो गई, उन्होंने बहुकोशी जीव बनाया और बिल्कुल निम्नतम स्तर से जीवन की शुरुआत की। जैसे स्पॉन्जेस की बात यदि हम करें तो यह है उदाहरण स्पॉन्ज। ये मैंने सिर्फ आपको एक फैक्ट क्लियर करने के लिए समझाया है। अब अगर हम देखें दूसरा प्लान, ब्लाइंड सैक प्लांट। ब्लाइंड सैक मतलब थैला, कैसा? बंद थैला वाली योजना। तो जो कुछ सीलेंट्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसका एक ओपन है, एक हिस्सा तो ओपन होता है, एक छिद्र जो होता है वो कैसा होता है? ओपन होता है। यहाँ से ही वो पोषण ग्रहण करते हैं और यहीं से बाद में अपने उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकालते हैं, अर्थात ये ब्लाइंड सैक इसका उदाहरण है, सीलेंट्रेट्स। इसको हम डिटेल में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तब समझेंगे। तीसरा प्लान आता है ट्यूब के अंदर ट्यूब प्लांट, अर्थात ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। अब आप समझेंगे क्या, तो ये जितने भी उच्च जाति के जंतु हैं जैसे मनुष्य भी है, उन सब में क्या पाया जाता है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। अब इसको समझने के लिए हम कैसे करें, आपने एक थर्मस देखा है, थर्मस का स्ट्रक्चर यदि आप याद करेंगे आपको बहुत अच्छे से ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि यदि हम समझें इसको इस प्रकार से कि ये हमारी देह भित्ति हो गई, बाहरी पूरी त्वचा से घिरी हुई देह भित्ति, बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक बार समझ में आने पर आप ये पूरे समय कभी नहीं भूलेंगे। ये देह भित्ति हो गई, अब ये हो गया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसके अंदर हमारी जो आहार नाल, जो एलिमेंट्री कैनाल है, आप 10वीं क्लास में आहार नाल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो मुख से शुरू होकर के गुदा द्वार में खत्म होती है, और वो भी कैसी संरचना रहती है? पूरी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहती है। तो इस प्रकार से रहता है ना, बनाते हैं हम इस प्रकार से पूरा आते हुए, अर्थात मुख से शुरू हुआ ये पूरा डिफाइन स्ट्रक्चर, नहीं सिर्फ समझाने के लिए, और अंत में ये गुदा द्वार पर खत्म होता है। तो इस प्रकार से अगर इसको भी हम टीएस काट के देखें तो ये एक अंदर एक ट्यूब आहार नाल की दिखाई देती है। तो ये हो गई आहार नाल वाली ट्यूब। ये क्या है? टीएस है। अब यहां से आप समझिए कि ये जो टीएस बताया तो इसमें समझ में आया कि जो देह भित्ति है और उसके अंदर की संरचना ये एक गुहा का निर्माण कर रही, और इसके अंदर दूसरी गुहा यानी आहार नाल की कैविटी मौजूद है, अर्थात ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? टीटी स्ट्रक्चर, टीटी। टीटी स्ट्रक्चर से आप याद रखना, जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें टीटी स्ट्रक्चर अर्थात ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट मौजूद होता है।